दोस्तों, ये वेजिटेबल मिक्स रायता है जिसे मैंने अपने टमाटो राइस के साथ में बनाया था। आज मैं इसको आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप अपने साइड डिश में, चावल रोटी के साथ में, पुलाव के साथ में और किसी भी अन्य तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए बारीक कटी हुई प्याज, काकड़ी, बारीक कटी हुई गाजर, काली मिर्ची और स्वाद अनुसार नमक। बस दोस्तों, हमें इसके लिए इतना ही लगेगा। हम इसके लिए चाहें तो इसमें थोड़े टमाटर और थोड़े अनार के दाने भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ इतनी चीज़ों से इसको बनाया है। इसके लिए मैंने एक बाउल में दही ले लिया। दही एकदम ताज़ा है जो मैंने रात को जमा के रखा था। दोस्तों, दही का स्वाद खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा रायता अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद हमने जो बारीक अपनी काकड़ी काटी है वो हम इस अपने रायते में डाल देंगे। दोस्तों, मैंने इतनी बारीक काकड़ी जो है वो अपने चॉपर से काटी है। आप अगर हाथ से काट लेते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद गाजर, प्याज भी डाल दिया है। दोस्तों, इन सबको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लगता है और खाने में बहुत स्वाद लगता है। इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्ची डालेंगे। अब एक खास बात दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है। शक्कर डालने से क्या होता है, हमारा रायता जो है जल्दी से खट्टा भी नहीं होता है और थोड़ा मीठा लगता है। थोड़ा मीठा दही हम सबको बहुत पसंद है। इसको इसमें इस तरह मिक्स करने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ काली मिर्ची, नमक और शक्कर से ही हमारा रायता ये बहुत ही टेस्टी बन जाता है। देखिए, मिक्स करने के बाद हमारा रायता कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निशिंग करके मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये वही रायता है जो मैंने टमाटो राइस के साथ बनाया था। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको भुना जीरा पसंद है तो आप इसमें अपने ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा भी डाल सकते हैं, अनार के दानों से सजा सकते हैं। और ये मिक्स रायता है तो इसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ और भी मिक्स कर सकते हैं। आपको ये कैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।